तो फाइनली दोस्तों हार्दिक पांड्या ने ज्वाइन कर लिया मुंबई मुंबई इंडियंस की टीम को। यहाँ पे उनका ऑफिशियल ऐलान भी हो गया है, पर गुजरात टाइटंस के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। उनके पास अब कैप्टन मौजूद नहीं है और यहाँ पे ये खबरें उड़ती भी आ रही हैं कि राशिद खान, शुभमन गिल या केन विलियमसन को तीनों में से एक को कैप्टन बनाया जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन इस में कैप्टन बनने वाला है गुजरात का। और दोस्तों यहां पे रोहित शर्मा का क्या होने वाला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पहले भी ये टीम छोड़ी थी मुंबई इंडियंस, तो वो इसी बिहाफ पे छोड़ी थी कि मुझे कैप्टन बनाया जाए, और उनको वहाँ पर कैप्टनसी मिल नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर रोहित शर्मा मौजूद हैं और रोहित शर्मा ही कैप्टन होते हैं टीम के। तो ये क्या सीन हुआ है, पर यहाँ पर मुंबई इंडियंस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे भी मिल गए हैं। और प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं, जब उनको इस तरह की लीग्स के अंदर अच्छे पैसे ऑफर होते हैं तो वो जाके ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आने वाले वक्त में मुंबई इंडियन का ये सोच है कि भाई अभी तो रोहित शर्मा ही कैप्टनसी करेंगे, पर बाद में हार्दिक पांड्या ही कैप्टन होंगे। हो सकता है अगले साल या उसके अगले साल रोहित शर्मा कैप्टन ना हो। और मैं आप लोगों को गुजरात टाइटन के कैप्टन के बता दूँ, यहाँ पे तीन नाम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पर राशिद खान के लिए भी एक न्यूज़ है कि राशिद खान भी किसी दूसरी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं जाके। अब यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि केन विलियमसन या शुभमन गिल दोनों में से कौन गुजरात टाइटल के कैप्टन होते हैं, पर यहाँ ज़्यादा जो चांसेस हैं वो शुभमन गिल के हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर गुजरात का कैप्टन होना चाहिए, और IPL आप लोगों को कैसा टूर्नामेंट लगता है मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।